इस वक्त हम खड़े हुए हैं मोहम्मद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज हमाम दरवाज़ा। ये सीधे चला जाएगा, देखिए रास्ता हमाम दरवाज़ा, ये देखिए सीधा रास्ता जाता है, आगे निकल के चला जाएगा। ये आज हमाम दरवाज़ा से आगे निकल चला जाएगा आपको बुल्ला टोले, फिर इसी के सामने आप देखिए यहाँ गंदगी देखिए आप। हमारा मेन दिखाने का उद्देश्य ये होता है कि सामने देखिए शिक्षा का मंदिर है, ठीक है, फिर यहाँ गंदगी देख लीजिए, ये रास्ते देख लीजिए आप, दोनों तरफ मट्टियाँ हैं। आगे हमने दिखाया था एक मंदिर है छोटा सा महेश डी बाबा का, और कोई भी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी की निगाह नहीं पड़ती कि जो नाली उन्हें साइड साइड से टूटी हुई है, साफ़ नहीं है, जो इस पर मट्टी पड़ी हुई है, तो ये हटेगी कैसे, हटाएगा कौन इसको, ये देखना। और यही जस्ट एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर इसी ट्रांसफार्मर को और अच्छे से कर दिया जाए ताकि बच्चे वगैरह स्कूल से निकलने के बाद कोई घटना न घटी जाए, इसको हायर करके और जाली लगा कर अच्छे से बना दिया जाए, ये सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। ये आप देखिए सामने श्री महेश डी बाबा एक मंदिर है, और छोटा सा खूबसूरत सा मंदिर है। ये सीधे सामने चला जाता है विश्वनाथ प्रताप सेठ के परिजन रहते हैं, इस हाथे में अंदर कॉलोनी भी बनी हुई है। और आप जाएंगे अगर लेफ्ट की तरफ तो चले जाएगा ये अजमेरी मोहल्ला, और राइट आप जाएंगे तो आप चला जाएगा ये फिर हमाम दरवाज़ा। और सामने आप देख सकते हैं जो सेफन बना के रखे गए हैं, बिल्कुल अद्भुत बने हुए हैं, जैसे कहा जाए स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो सेफन होता है उस तरह बना हुआ है। अब देखिए बैटरी वाला रिक्शा जा रहा है, अब रिक्शा जाने में क्या क्या समस्या इसमें होती है, अब ज़रा सा अगर बैलेंस ख़राब होगा बैटरी में रिक्शा, जो बैठे हुए हैं बेचारे उनके हाथ पैर टूटेंगे दबेंगे, ये समस्या देख रहे हैं कितने आराम से कितने स्लो से कैसे कैसे जाना है इनको। अब देखिए चचा हमारे जा रहे हैं, धोती उठाए हुए जा रहे हैं, कहीं से ऐसा ना हो छीटा पड़ जाए। अरे चचा देखिए साइकिल जाए, देखिए छीटा देखिए आप। अभी कुछ देर बाद देखिएगा 1:45 के आसपास सनबीम डालिंग स्कूल की छुट्टी होगी, तब यहाँ का नज़ारा आप देखते मिलेगा आपको। अब आप देखिए ये पानी की निकासी का क्या हाल है और नाली का क्या हाल है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे ही गए हुए हैं स्कूल के, इसी तरह पैदल प्रतिदिन जाते रहते हैं, आप सिर्फ देखते जाइए कि नगर पालिका ने क्या दुर्दशा बना रखा है। नाली देख लीजिए आप, एक सामने देखिए एक छोटा सा मंदिर है, अब आप इसको देखिए ध्यान से देखिए, ये अंदर चला जाता है कॉलोनी में रास्ता, ये देखिए आप जो है आप देखिए बच्चे कैसे जा रहे हैं और कितनी दिक्कतों से जा रहे हैं, और इस पर किसी का ध्यान पड़ नहीं रहा है। ये सामने आपके रास्ता चले जाएगा मलनी पड़ाव के लिए, अब फिर यही रास्ता देखिए सीधे चला जाएगा हमाम दरवाज़ा इधर से। हाँ रास्ता इधर, अब फिर यही रास्ता देखिए सीधे जो है ये भी अजमेरी जाएगा। अब सीधे सामने आप निकलेंगे, आगे कुछ ही दूर पे एक डार्लिंग स्कूल है, CBSE बोर्ड का पैटर्न चलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समस्या सिर्फ आप देखिए, अब इसके बारे में किसको जानकारी दी जाए, किसको बताया जाए, यानी सारे लोगों को लोग बता के थक चुके हैं, नगर पालिका एकदम आराम से सोया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। सभासद का क्या रोल है उससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी जब मतदान होगा तो सारे लोग अच्छे अच्छे आश्वासन देंगे कि हम आपके क्षेत्र में नाली ठीक करवा देंगे, सफाई करवा देंगे,
आप सिर्फ देखते रहिए। अभी देखिए सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं गंदगी क्या है, पानी कभी कभी इतना ज़्यादा रहता है। अब जिसमें सेफन लगा हुआ है, बताने वाले ने बताया कि जिस अंदर विश्वनाथ प्रसाद सेठ के जो परिवार के लोग रहते हैं, उन्हीं ने अपने ही पैसे से इसको लगवाया था। ठीक है, अब जैसे बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, झटके से कोई गाड़ी आई छीटा जाएगा तो बच्चों के कपड़े ख़राब हो, आए दिन बच्चे गिर जाते हैं छोटे छोटे। सुबह में तो पानी और तेज़ रहता है, अभी पानी कुछ धीरा है। देखिए यहाँ पे डालिम संबीम स्कूल है हमाम दरवाज़ा में, तकरीबन 1200-1400 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी कुछ ही समय बाद जब यहाँ से छुट्टी होगी तो पूरा ये रस रहेगा। मेन दिखाने का मकसद हमारा ये है